हेलो स्टूडेंट, ये क्लास डीआरटी फर्स्ट ईयर के लिए है जिसमें अपना सब्जेक्ट है रेडियोग्राफी फर्स्ट पोजीशनिंग। अपना टॉपिक चल रहा है लोअर लिम, यानी लोअर एक्सट्रीमिटी की अपने स्टडी कर रहे थे, जिसमें अपन ने क्या है फुट एंकल जॉइंट की स्टडी कर ली थी। अपनी चल रही थी कैल्केनियम बोन की स्टडी। कैल्केनियम बोन जिसको अपने क्या बोलते हैं, हील बोन, जो टेलस के नीचे के पार्ट में होती है, इसकी अपने स्टडी कर रहे थे। इसका अपन ने क्या है लेटरल व्यू पढ़ लिया था। लेटरल व्यू सेम जैसे अपने एंकल जॉइंट का लेटरल व्यू होता है, वैसे ही होता है कि अपने पेशेंट को टेबल पर बैठाएंगे, उसके फुट को लेटरल पोजिशन में लेंगे और लेटरल बॉर्डर वो क्या होनी चाहिए, फिल्म के टच में होनी चाहिए। और सेंटरिंग कहाँ करते हैं, मीडियल मेलस से 2 इंच नीचे और 2 इंच पीछे की तरफ अपने सेंटरिंग, यानी कैल्केनियम बोन पे सेंटरिंग करेंगे। रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस में अपने को कैल्केनियम बोन, टेलस बोन, इस टीबिया फिबुला का एंड पार्ट, नेविकुलर बोन, ये सारी अपने को क्या है सीन हो रही है। उसके बाद अपने आता है कैल्केनियम बोन के एक्सियल व्यू। एक्सियल व्यू मतलब सुपीरियर टू इन्फीरियर व्यू और इन्फीरियर टू सुपीरियर व्यू। अब देखो अपने स्टडी करते हैं कैल्केनियम बोन यानी हील बोन, जिसके व्यू है अभी पढ़ेंगे अपने एक्सियल व्यू। टू पोजिशन आर यूज्ड। एक्सियल व्यू में क्या है, दो पोजिशन यूज में ली जाती है, कौन कौन सी, इन्फीरियो सुपीरियर व्यू और सुपीरियो इन्फीरियर व्यू। इन्फीरियर सुपीरियो मतलब एक्सरेज के इन्फीरियर अंदर के पार्ट से बाहर की तरफ आएगी, और सुपीरियर टू इन्फीरियर यानी सुपीरियर मतलब ऊपर के पार्ट से इन्फीरियर अंदर के पार्ट की तरफ एक्सरेज जाएगी। जैसे अपने कैल्केनियम बोन है तो कैल्केनियम बोन के इन्फीरियर टू सुपीरियर, इन्फीरियर कौन सा पार्ट हो गया, बॉडी के अंदर की साइड का देखें तो अपना सोल ऑफ द फुट, जो सोल ऑफ द फुट होता है वो हो गया अपना इन्फीरियर पार्ट। सुपीरियर पार्ट ऊपर का पार्ट कौन सा हो गया, अपने एंकल जॉइंट के बिल्कुल पीछे का पार्ट जहां कैल्केनियम बोन अपनी होती है, वो पार्ट कौन सा हो गया एंकल जॉइंट के पीछे का पार्ट, सुपीरियर पार्ट। अगर अपने देखें सुपीरियर टू इन्फीरियर व्यू करना है तो सुपीरियर पार्ट कौन सा हो गया अपना कैल्केनियम के ऊपर वाला पार्ट, और इन्फीरियर सोल ऑफ द फुट जहां कैल्केनियम बोन होती है वो हो गया इन्फीरियर। यानी इन्फीरियर टू सुपीरियर करने के लिए अपने को सोल ऑफ द फुट की तरफ से कैल्केनियम बोन के ऊपर की तरफ एक्सरेज जानी चाहिए। सुपीरियर टू इन्फीरियर करने के लिए पेशेंट के सुपीरियर मतलब ऊपर के पार्ट से अंदर की पार्ट की तरफ एक्सरेज जानी चाहिए। देखो अपने सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इन्फीरियो सुपीरियर व्यू, इसको अपने ये भी बोल सकते हैं इन्फीरियर टू सुपीरियर व्यू। कैल्केनियम बोन के लिए है, सबसे पहले अपने बात करते हैं इसके इंडिकेशंस की। इंडिकेशन जो अपना कैल्केनियम बोन का होता वही रहेगा, टू सी द फ्रैक्चर ऑफ कैल्केनस बोन या कैल्केनियम बोन, यानी कैल्केनियम बोन का फ्रैक्चर देखने के लिए अपने व्यू करते हैं। फिर अपने बात करें कैसेट साइज की, कैसेट साइज अपना क्या रहेगा, 8, 10 और 10, 12 का जो कि नॉर्मल अपने साइज रहता है। इसमें अपने एक्सियल व्यू सुपीरियर टू इन्फीरियर और इन्फीरियर टू सुपीरियर एक ही कैसेट में डबल एक्सपोजर के दोनों साइड अलग अलग व्यू भी ले सकते हैं। अगर अपने को दोनों कैल्केनियम बोन का एक साथ लेना है तो अपने क्या करते हैं अलग अलग कैसेट में दोनों कैल्केनियम बोन का अलग अलग व्यू ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अपना पोजीशन ऑफ पेशेंट, पेशेंट की पोजीशन क्या होगी, तो अपना व्यू कौन सा है इन्फीरियो सुपीरियर व्यू, यानी इन्फीरियर से सुपीरियर पार्ट में एक्सरेज जाएगी। तो इन्फीरियर पार्ट कौन सा हुआ कैल्केनियम बोन का, जो सोल की तरफ का पार्ट है, पांव की थली की तरफ का पार्ट है, और सुपीरियर पार्ट कौन सा हुआ ऊपर का पार्ट है जो एंकल जॉइंट के पीछे का पार्ट है वो। तो एक्सरेज कहां से जानी चाहिए, नीचे से ऊपर की तरफ। उसी प्रकार अपने क्या है पेशेंट की पोजीशन सेट करेंगे। तो इसमें देखो
पेशेंट सीटेड ऑन द एक्सरे टेबल, पेशेंट क्या एक्सरे टेबल पर बैठेगा। पेशेंट लेग इज फुली एक्सटेंड एंड प्लेस्ड ऑन द टेबल, पेशेंट के लेग को क्या फुल एक्सटेंड करेंगे और कहाँ रखेंगे, टेबल पर रखेंगे। एंकल जॉइंट इन एपी पोजिशन एंड फुट डोर्सी फ्लेक्स्ड, जो अपना एंकल जॉइंट है वो किस पोजिशन में होना चाहिए, एपी पोजिशन में होना चाहिए, और फुट को क्या करेंगे अपने डोर्सी फ्लेक्स्ड करेंगे। डोर्सी फ्लेक्स्ड क्या होता है, देखो जो अपने फुट का पंजा होता है यानी पाँव ऊपर का जो फ्लेंजेस होती है इनको नी जॉइंट की तरफ पुश करना, उसको अपने क्या बोलते हैं, डोर्सी फ्लेक्स्ड। नेक्स्ट देखो, द बैंडेज इज पास्ड अराउंड द फुट एंड बाय द पेशेंट बोथ हैंड्स टू मेंटेन डोर्सी फ्लेक्स्ड। अब क्या करेंगे, एक बैंडेज लेंगे और उसको फुट के अराउंड चारों तरफ अपने बांध देंगे और फिर पेशेंट के दोनों हाथों से पेशेंट को बोलेंगे कि अपने फुट को डोर्सी फ्लेक्स करे, यानी फुट को क्या नी जॉइंट की तरफ खींचे, जिससे फुट कौन से पोजिशन में आ जाएगा, डोर्सी फ्लेक्स्ड पोजिशन में। तो अपने डोर्सी फ्लेक्स्ड पोजिशन में फुट को लेके आना है। उसके बाद अपने क्या करेंगे, देखो अपने पोजिशन लगाते हैं उसके बाद में कैसेट की, कैसेट की पोजिशन क्या रहनी चाहिए, तो द कैसेट इज प्लेस्ड अंडर द अफेक्टेड कैल्केनियम बोन। अपनी कैसेट है वो कहाँ रखी जाती है, जो अफेक्टेड कैल्केनियम बोन होती है उसके बिल्कुल नीचे, यानी कैल्केनियम बोन के अराउंड चारों तरफ का पार्ट है अपना फिल्म में इंक्लूड रहना चाहिए। इसके बाद अपनी आती है सेंटरिंग, सेंटरिंग की बात करते हैं। सेंट्रल रे ओवर द हील बोन विद ट्यूब एंगल 30 डिग्री टूवर्ड्स द हेड। सेंट्रल रे अपनी कहाँ से जानी चाहिए, हील बोन के बिल्कुल ऊपर से, और जिसमें ट्यूब का एंगल अपना क्या रहेगा, 30 डिग्री टूवर्ड्स द हेड, यानी हेड की तरफ अपने 30 डिग्री का एंगल देंगे। यानी अपना फुट कौन सी पोजिशन में, एपी पोजिशन में, डायरेक्ट सेंटरिंग करेंगे अपने हील बोन पे और 30 डिग्री का एंगल अपने हेड की तरफ देते हैं। उसके बाद देखो एक बात बताया गया है, सेंटरिंग बिटवीन द बोथ हील्स इफ बोथ आर बीइंग एग्जामिन्ड। अगर अपने क्या दोनों हील का एग्जामिनेशन करें, दोनों हील की इमेज ले रहे हैं या दोनों हील का एक्सपोजर करके फिल्म ले रहे हैं, तो सेंटरिंग कहाँ करेंगे, दोनों हील के बिटवीन यानी बिल्कुल बीच में। इसमें डायग्राम में देखो दिखा रखा है अपने क्या है, कैसेट बिल्कुल कैल्केनियम बोन है, अफेक्टेड कैल्केनियम बोन है उसके बिल्कुल नीचे लगाई हुई है, नी को क्या है बिल्कुल फ्लेक्स किया हुआ है और एंकल जॉइंट को यानी फुट को एपी पोजिशन में रखा हुआ है। एपी पोजिशन में एंकल जॉइंट को रखने के बाद अपने क्या करेंगे, कोई भी एक बैंडेज लेंगे और उस बैंडेज की सहायता से क्या करेंगे, जो अपना फुट है उस पे बैंडेज को चारों तरफ प्लेटेंगे अराउंड यानी उसके ऊपर से लेंगे और फुट को डोर्सी फ्लेक्स पोजिशन में लेके आएंगे। डोर्सी फ्लेक्स मतलब नी की तरफ अपने क्या करेंगे, फ्लेक्स करेंगे, नी की तरफ फुट को खींचेंगे। तो उसी प्रकार देखो बैंडेज अब फुट के ऊपर से लगाई हुई है और पेशेंट के अपने दोनों हाथों से फुट को ऊपर की तरफ खींच रहा है, तो जो अपना कैल्केनियम बोन का व्यू इस प्रकार से आता है। यहां से देखो अपने सेंटरिंग करेंगे डायरेक्ट हील बोन पे और ट्यूब में एंगल रहेगा 30 डिग्री का, किसकी तरफ, हेड की तरफ, यानी हेड की तरफ अपना एंगल रहेगा और ऐसे इस प्रकार से तिरछी अपनी सेंटरिंग होगी, जिसमें अपने क्या ये देखो इस प्रकार से कैल्केनियम बोन का डायग्राम आ जाएगा। नेक्स्ट आता है अपना रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस, एंड रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस में अपने को क्या दिखाई देगा, देखो पोस्टीरियर
टू थर्ड आर क्लियरली सीन इन, जो अपने इमेज होती है उसमें अपने को पोस्टीरियरली, पोस्टीरियरली यानी पीछे का टू थर्ड पार्ट क्लियरली सीन हो जाएगा। द एंटीरियर वन थर्ड इज सुपर इम्पोज ऑन एंड ऑफ टेबिया फिबुला एंड टेलस। जो एंटीरियर पार्ट होता है वन थर्ड पार्ट एंटीरियर साइड का, वो टेबिया के सॉरी टेबिया फिबुला और टेलस पार्ट जो होता है उस पर सुपर इम्पोज हो जाता है। यानी कैलकेनियम पीछे का टू थर्ड पार्ट अपने क्लियरली सीन होगा, आगे का वन थर्ड पार्ट सुपर इम्पोज हो जाता है। देखो इस डायग्राम में दिखा रखा है जो पोस्टीरियर पार्ट है टू थर्ड पार्ट, ये अपने क्या है क्लियरली सीन हो रहा है, और जो एंटीरियर वन थर्ड पार्ट है ये टीबी फिबुला के एंड और टेलस पे सुपर इम्पोज हो जाता है, ये अपने को क्या इमेज दिखाई हुई है। इसके बाद अपने बात करते हैं एक्सपोजर की, एक्सपोजर कितना रहेगा, जिसमें अपनी डिस्टेंस रहती है 90 to 100 सेंटीमीटर, केवी रहेगा अपना 60 to 70, अमेस रहता है अपना 15, और ग्रिड का यूज अपने नहीं करेंगे। नेक्स्ट व्यू आता है अपना सुपीरियर इन्फीरियर व्यू। इसमें एक्सरेज कहाँ से कहाँ जाएगी, सुपीरियर पार्ट से इन्फीरियर पार्ट में। इसका इंडिकेशन देखें तो इंडिकेशन की बात करते हैं, इंडिकेशन क्या होगा, टू सी द फ्रैक्चर ऑफ कैल्केनियम बोन। कैल्केनियम बोन का फ्रैक्चर देखने के लिए अपने व्यू करते हैं, जिसमें कैसेट साइज क्या रहेगा 8, 10 और 10, 12 का, जो अपने नॉर्मली कैसेट साइज रहता है। अगर अपने एक हील का व्यू कर रहे हैं तो दो व्यू एक कैसेट में भी हो सकते हैं, या अगर छोटी कैसेट है तो अलग अलग कैसेट में ले सकते हैं। अगर दोनों हील का आपने बहुत हील्स का एक साथ व्यू लेना है तो अपने एक बड़ी कैसेट में व्यू लेते हैं। इसके बाद अपने बात करते हैं पोजीशन ऑफ पेशेंट की, पेशेंट की पोजीशन क्या रहेगी। तो पेशेंट इज स्टैंड ऑन द एक्सरे टेबल इन पीए पोजीशन। पेशेंट को क्या है एक्सरे टेबल पर अपने खड़ा रखेंगे पीए पोजीशन में। पीए पोजीशन कौन सी होगी, जिसमें पेशेंट का फेस दूसरी साइड होता है और बैक पोस्टीरियर पार्ट एक्सरे ट्यूब की तरफ होता है, वो कौन सी पोजीशन होगी अपनी पीए पोजिशन है। पेशेंट को अपने पीए पोजिशन में एक्सरे टेबल पे खड़ा करते हैं। नेक्स्ट है पेशेंट अफेक्टेड हील ऑन द कैसेट। जो पेशेंट की अफेक्टेड हील होती है उसको अपने कैसेट पे रखेंगे। पेशेंट बेंड्स हिज नी एंड विद ए चेयर इन फ्रंट ऑफ हिम फॉर स्पोर्टेड। पेशेंट की नी को क्या है अपने बेंड्स करेंगे, और साथ ही क्या है एक चेयर पेशेंट के आगे रखते हैं, जिससे क्या है पेशेंट उसको पकड़ के उसकी सपोर्ट की सहायता से नी को आसानी से फ्लेक्स कर सके। पेशेंट इसके बाद अपने बात करते हैं पोजीशन ऑफ कैसेट, कैसेट की पोजीशन क्या रहती है। तो कैसेट की पोजीशन रहती है अपनी, द कैसेट इज प्लेस्ड अंडर द अफेक्टेड कैल्केनियम बोन। कैसेट अपनी कहाँ रखी जाती है, जो अफेक्टेड कैल्केनियम बोन होती है उसके बिल्कुल नीचे, जिसमें अपनी क्या कैल्केनियम बोन के राउंड्स के चारों तरफ के पार्ट कैसेट में इंक्लूड हो जाते हैं। सेंटरिंग की बात करते हैं तो देखो सेंट्रल ले ओवर द हील और
between the both are being examined at an angle 15 to 20 degree towards the toes. तो सेंटरिंग अपने को बता रखी है, सेंट्रल रे कहाँ से जाती है अपने, बिल्कुल हील से, या फिर दोनों हील का अपने अगर साथ में एग्जामिनेशन कर रहे हैं, साथ में इमेज ले रहे हैं, तो दोनों हील्स के बीच में से अपने सेंटरिंग करते हैं और 15 से 20 डिग्री का एंगल अपने ट्यूब में टोज की तरफ यानी अंगूठों की तरफ देते हैं, यानी फुट की तरफ अपने एंगल देंगे 15 से 20 डिग्री का और बिल्कुल हील बोन पे अपने सेंटरिंग करते हैं। देखो इसमें डायग्राम में दिखा रखा है अपने क्या है, पेशेंट पीए पोजीशन में खड़ा है, इस साइड अपनी क्या एक्सरे ट्यूब है जो पोस्टीरियर पार्ट में पेशेंट के है, और पेशेंट ने क्या किया, नी को या आगे कर लिया या नी को फ्लेक्स कर लिया, जिससे अपनी कैल्केनियम बोन क्या है बाहर की साइड में अपने को दिखाई दे रही है, और फिर अपने इस पे सेंटरिंग करते हैं बिल्कुल हील बोन पे और ट्यूब में एंगल 15 से 20 डिग्री का देते हैं, जिससे कि अपनी कैल्केनियम बोन अच्छी तरह फिल्म पे क्लियरली दिखाई दे जाती है। इसके बाद अपने बात करते हैं रेडियोलॉजिकल अपीरियंस की, जो अपनी रेडियोलॉजिकल इमेज अपनी तैयार हुई है उसमें क्या दिखाई देता है। तो देखो पोस्टीरियर 2/3 आर क्लियरली सीन, जो पोस्टीरियर 2/3 पार्ट है वो अपने को क्लियरली सीन हो जाएगा। द एंटीरियर 1/3 इज सुप्रीम पोज्ड ऑन एंड ऑफ टिबिया एंड फिबुला एंड टेलस, जो एंटीरियर 1/3 पार्ट होता है वो टीबिया और फिबुला के एंड पार्ट से और टेलस से सुपरइम्पोज होता है। ये अपना क्या है रेडियोलॉजिकल इमेज अपने को प्राप्त हो जाती है। देखो अपने को रेडियोलॉजिकल इमेज इस प्रकार से दिखाई देती है, जिसमें ये 2/3 पार्ट अपने को क्या क्लियरली सीन हो रहा है और 1/3 पार्ट क्या है टीबिया और फिबुला के एंड पार्ट से सुपरइम्पोज हो रहा है और टेलस से सुपरइम्पोज हो रहा है। इसके बाद आता है अपना एक्सपोजर। तो एक्सपोजर की बात करें तो डिस्टेंस अपनी रहती है 90 to 100 सेंटीमीटर, केवी रहेगा अपना 60 to 70, एमएस रहता है अपना 15 और ग्रिड का यूज नहीं होता है। तो देखो जो अपन ने इन्फीरियर टू सुपीरियर व्यू किया है उसमें एक्सरे जाती है सोल ऑफ द फुट की तरफ से ऊपर के पार्ट में, और जो अपने सुपीरियर टू इन्फीरियर व्यू किया है उसमें अपने कैल्केनियम बोन के ऊपर से नीचे की तरफ एक्सरेज जाती है। देखो इन्फीरियर टू सुपीरियर व्यू में दिखा रखा है पेशेंट की नी को पूरा फ्लेक्स करेंगे और फुट को क्या डोर्सी फ्लेक्स पोजिशन में लेके आएंगे, यानी नी की तरफ पूरा फ्लेक्स फुट को करते हैं और फिर अपने कैल्केनियम बोन पे सेंटरिंग करके और इसकी इमेज क्लियरली प्राप्त करते हैं। तो ये अपना हो गया इन्फीरियर टू सुपीरियर व्यू। फिर आता है अपना सुपीरियर टू इन्फीरियर व्यू। सुपीरियर टू इन्फीरियर व्यू मतलब एक्सरेज के ऊपर से नीचे के पार्ट में जाएगी, तो पेशेंट इसमें पीए पोजीशन में स्टैंडिंग पोजीशन में रहेगा और नी को हल्का सा फ्लेक्स करेगा, जिससे कैल्केनियम बोन के पीछे के पार्ट में आ जाएगी पेशेंट के, यानी पीछे क्लियरली सीन होने लग जाएगी। तो उस पर अपने सेंटरिंग करेंगे और ट्यूब में 15 से 20 डिग्री एंगल टो की तरफ देते हैं, जिसमें अपने को कैल्केनियम बोन की क्लियरली इमेज प्राप्त हो जाती है। ये अपने कैल्केनियम बोन के एक्सियल व्यू यानी इन्फीरियर टू सुपीरियर और सुपीरियर टू इन्फीरियर व्यू कंप्लीट होता है। आगे का पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।